मैम, यूजुअली वी सी यू इन द पुलिस की वर्दी में, आज आपके कॉस्ट्यूम की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मीटिंग भी कुछ हुई, क्या कुछ नया है लोगों के लिए, कुछ बताना चाहोगे? वेल, एज यू नो, व्हेन यू डू अ डेली शो आपके पास कुछ और बहुत ज़्यादा काम करने का मौका होता नहीं है, क्योंकि आप उसी में बहुत बिजी हो, एंड प्लस विद द काइंड ऑफ लव दैट आई गेट बिकॉज ऑफ मैडम सर, आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क्ड इट एनी अदर वे। मैं यहाँ बेसिकली आज यहाँ आई थी, अल जजीरा इज़ डूइंग अ सेगमेंट ऑन कल्चरल डाइवर्सिटीज, उनसे रिलेटेड वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट एंड इट वेंट रियली वेल एंड हियर वी आर। एंड सोशल मीडिया की बात करो, जिस तरह की आग आपने लगाई है सोशल मीडिया में, जो पिक्चर्स आपके, जिस तरह लाइक फैंस कमेंट सेक्शन की बात कर रहा था, मैं देख रहा, फैंस वर वेरी हैप्पी टू सी यू, क्या कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पांस आपको मिल रहे? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फैंस, इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने मुझे बोल बोल के मुझसे गुस्सा हो के इतना परेशान कर दिया कि मुझे अब नाउ आई एम फाइनली बैक ऑन सोशल मीडिया विद अ फुल बैंग, और अब मैं इतने फोटोज डालूंगी कि आप लोग पहुंच जाओ, आप लोग बोलोगे बस करो। या फिर ये मनी की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर ये जो सोशल मीडिया के जो मैरिजेस के जो सोशल टॉपिक्स जो पिक करती है मैडम्स, आपको कैसा लगता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली जो आपको स्क्रिप्ट आती है, आई थिंक पर्सनली आई फील कि देयर इज नो अदर शो ऑन टेलीविजन राइट नाउ दैट डील्स विद the current situation of the country, of the city, of the world. Yes. Like madam sir, I think Europe mein jis tarah ka energy crisis abhi chal raha hai, it breaks my heart and it's really unfortunate ki duniya ke kahin kisi ek kone mein log itne pareshan hain, log energy crisis is a big thing, I mean, yes. Sooner or later it's gonna hit India as well, आप माने या इस बात को ना माने, पर वो कभी ना कभी हम पर आएगा ही, और ऐसे ही समय पर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स में जो मूवअप होते हैं, उससे रिलेटेड केसेस मैडम सर में आना, आई थिंक आई फाइंड आई ऑनेस्टली फील दैट इट्स अ वेरी गुड वे टू एजुकेट द किड्स राइट नाउ, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पर ऑल द रील्स एंड एवरीथिंग इज अ लॉट ऑफ फन, इट शुड बी फन, बट फन इज डिफरेंट, एजुकेशन इज डिफरेंट, एंड मैडम सर स्ट्राइव्स टू कीप द बैलेंस बिटवीन द बोथ, ट्राई टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्राई टू एजुकेट यू अबाउट समथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट्स हैपनिंग इन योर नेक्स्ट डोर नेबर, while adding an element of fun. इसके अलावा जो जो सुल्की जी झलक दिखला जाने वाला है, कोई आपका फ्रेंड गया है, और आपको कभी ऐसा डांस रियलिटी शो में मौका मिले? बिकॉज वी नो रील हमने देखी है, काफी अच्छा आप डांस कर रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? नहीं, झलक में मेरे अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रेंड्स नहीं है, बट या दैट्स समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू डू, मुझे आई लाइक डांसिंग, आई रियली लाइक इट, सो आई वुडंट माइंड डूइंग समथिंग लाइक दैट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, एंड लेट्स होप तब तक मैं रील्स बना के अपने डांस की प्रैक्टिस करूंगी। थैंक यू सो मच Bombay and you can't get away from humidity. Yeah, that's true. Can't do that. It's like going to Goa and trying to stay away from parties.